हम बात करेंगे कि क्या रीज़न है कि जो भी पेयरिंग बेस पेयरिंग होती है वो मोर फ्लेक्सिबल बेस पेयरिंग क्यों होती है। तो हम देखेंगे कि ज़्यादातर जो मोर फ्लेक्सिबल बेस पेयरिंग है उसके पीछे का क्या कारण है। तो जैसे कि हमारे पास जो आरएनए है, उस आरएनए की जो 30S राइबोसोमल सब यूनिट रहती है, उस 30S राइबोसोमल सब यूनिट में क्या होता है, 60S आरएनए होता है। और ये क्या करता है, ये एग्जामिन करता है कि क्या स्टैंडर्ड वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग हो रही है या नहीं हो रही है। मतलब कि और ये जो बेस पेयरिंग है ये कहाँ पर चलती है, ये चलती है फर्स्ट कोडोन बेस एंड थर्ड ऑफ द एंटी कोडोन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैसेंजर आरएनए का कौन कौन से कोड की कौन सी पोजीशन रहती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और जो हमारा एंटी कोड होता है उसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड रहती है। तो आपको क्या बताया जा रहा है कि जो भी पेयरिंग है वो कहाँ पे फर्स्ट कोड ऑफ द बेस और साथ में थर्ड एंटी कोडोन के बेस में, यहाँ पर जो वो पेयरिंग होती है, एज वेल एज बिटवीन द सेकेंड कोडोन बेस एंड सेकेंड एंटी कोडोन बेस, सेकेंड और सेकेंड और यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड में क्या रहती है, बेस पेयरिंग रहती है। हाउएवर देर इज़ नो सिस्टम टू चेक वेदर द थर्ड कोड बेस एंड फर्स्ट एंटी कोडोन बेस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर एंड दिस अकाउंट टू मोर लेनियंट बेस पेयरिंग। तो यहाँ पर जो बॉबल पोजीशन है, से सिंपल सी बात करें तो जो बॉबल पोजीशन है उस बॉबल पोजीशन की वजह से क्या रहती है, बेस पेयरिंग जो है वो क्या रहती है, फ्लेक्सिबल रहती है। कॉन्सिक्वेंट डीजनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड। तो जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया जा रहा है बार बार कि ये जो हमारे पास बॉबल हाइपोथीसिस है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि एक टीआरएनए जो है वो मैनी अमीनो, मतलब कि ज़्यादा इसको क्या कर सकता है, कोड कर सकता है, एक से ज़्यादा एमिनो एसिड के लिए क्या कर सकता है, ये कोड कर सकता है। वैसे तो स्पेसिफिसिटी रहती है कि पर्टिकुलर टीआरएनए पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करेगा, लेकिन यहाँ पर ये है कि एक से ज़्यादा अमीनो एसिड को सिंगल एक टीआरएनए जो है वो क्या कर सकता है, कोड कर सकता है। डिजनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड इज़ ड्यू टू दिस फीचर, बॉबल हाइपोथीसिस की वजह से क्या रहती है, डिजनरेसी रहती है। कंक्लूज़न क्या है ओवरऑल, तो ओवरऑल कंक्लूज़न जो फ्रांसिस क्रिक का है वो यही है कि जो भी हमारे पास मैसेंजर आरएनए है उसके ऊपर कोड होगा और जो भी हमारे पास टीआरएनए है उसके ऊपर क्या होगा, एंटी कोड होगा, और जो भी बॉबल पोजीशन है उस बॉबल पोजीशन में क्या रहता है, क्या होती है, पेयरिंग। लेकिन वो जो पेयरिंग है वो कैसी होती है, नॉन स्टैंडर्ड पेयरिंग चलती है। इसीलिए जो नॉन स्टैंडर्ड पेयरिंग है वहाँ पर अगर आयोसिन है तो आयोसिन की वजह से वहाँ पर एडिनिन या ग्वेनिन या साइटोसिन या यूरेसिल की पोजीशन हो सकती है, मतलब कि एक से ज़्यादा कोड जो हैं वो वहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। तो ये फ़ायदा है बॉबल हाइपोथीसिस का। बाकी रेफरेंस यहाँ पर दिया है, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और सबसे बढ़िया जिसको आराम से समझना है वो ये है कि जैसे कि ये फ्लो चार्ट है, इसमें सारा ही एक्सप्लेन हो जाएगा कि आप सबको पता है कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनती है, तो आरएनए से जो प्रोटीन बनती है उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए बॉबल हाइपोथीसिस है। डीएनए और आरएनए के ऊपर क्या क्या न्यूक्लियोटाइड होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, डीएनए में एडेनिन साइटोसिन ग्वेनिन थायमिन होता है जबकि आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल रहता है। तो टोटल जो हमारे पास कोड आते हैं, क्योंकि ये चार हैं इसलिए फोर, और ये ट्रिपलेट का बना होता है कोड जो वो तीन का बना होता है, जैसे एयूजी है तो तीन नाइट्रोजनस बेस है, तो अगर आप 4:3 करेंगे तो टोटल 64 कोड आएंगे जिसमें कि तीन स्टॉप कोड हैं और 61 कोड आ जाएंगे, और ये 61 कोड जो होते हैं वो 22 अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। जबकि हमारे पास जो टीआरएनए हैं वो 45 हैं या 45 से भी कम हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए है उस मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडोन होता है, जबकि जो टीआरएनए है उसके ऊपर एंटी कोडोन होता है, ठीक है। और जो पोजीशन है वो आपको बताई जा रही है कि अगर ए यू जी है, ए फर्स्ट पोजीशन पे है, यू सेकंड पोजीशन पे है, जी थर्ड पोजीशन पे है, तो हमारे पास टीआरएनए के अकॉर्डिंग जो पोजीशन है वो अलग होगी, मतलब कि अगर कॉड की फर्स्ट पोजीशन है तो वो उसकी थर्ड पोजीशन होगी। और किस तरह से पेयरिंग रहेगी, एंटी कोडोन और कोडोन की पेयरिंग ऐसे है कि एडेनिन है तो यूरेसिल कोड करेगा,
साइटोसिन है तो ग्वेनिन होगा, यूरेसिल के साथ एडेनिन ग्वेनिन आ सकता है, ग्वेनिन के साथ साइटोसिन और यूरेसिल आ सकता है, और आइनोसिन अगर है तो वहाँ पे साइटोसिन, यूरेसिल और एडेनिन कुछ भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एग्जांपल ल्यूसीन का दिया हुआ है कि ल्यूसीन को मैसेंजर आरएनए के ऊपर CUU CUA और CUC कोड करते हैं, तो tRNA के ऊपर ये आइनोसिन की पोजीशन है जिसकी वजह से ल्यूसीन का यूरेसिल, एडेनिन या फिर साइटोसिन कुछ भी यहाँ पर कोड हो सकता है। सो दिस इज़ अबाउट द बॉबल हाइपोथीसिस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।